हेलो एंड वेलकम गाइस। आज का जो हिंदू है, हिंदू का लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लेट्स डिस्कस गाइस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मेंशनड है फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तेलंगाना के खिलाफ, भारत और रशिया की 2+2 टॉक होने वाली है, इंडिया से सबसे ज्यादा ट्विटर में रिक्वेस्ट आ रही है, इंडिया चाइना का जो बायलेटरल टाइज है उसके बारे में भी देखेंगे, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप्स अभी कैसे बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टडी कर रहा है कोर्ट रूल्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कुछ दिनों में देखा होगा कि ये मुद्दे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। सब्सिडी स्कीम शिपिंग फॉर्म में आई है, उसके बारे में एमसीक्यू भी देखेंगे। रशिया यूएस का कॉमन इंटरेस्ट है, किस चीज में रशिया और यूएस का कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, क्लाइमेट से रिलेटेड ये बातें हैं। आरबीआई ने मास्टर कार्ड, जी हाँ एटीएम जो आप यूज करते हैं, एटीएम कार्ड मास्टर कार्ड, उसके ऊपर में कुछ तरह के रोक लगा दी है। क्या ये आपसे रिलेटेड है, क्या मास्टर कार्ड आप यूज करते हैं, तो आपको ये जानकारी जाननी चाहिए। शुगर केन कल्टिवेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे, और साथ साथ में संपादकीय और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान कैन नॉट बी इट्स पास्ट, ऐसा कहा है किसने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर साहब ने, एस जयशंकर साहब ने। आपको पता ही है कि वो अभी कहां पे हैं, अभी हैं वो तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान में क्या हो रहा है, तजिकिस्तान में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीटिंग चल रही है, ठीक है, 8 नेशंस की ग्रुप मीटिंग चल रही है, और वहां पे इन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान को अब आगे निकल के आना होगा, ये जो पास्ट में तालिबान और बाकी सारी चीजें जो थी उनसे अभी बाहर निकलकर उसे इस चीज में क्या करना पड़ेगा, हैंड इन हैंड मिला के अब आप सारे देशों के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जयशंकर साहब जो हैं अभी एससीओ की मीटिंग के बाद में ताशकंद जाएंगे, और अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किस भारतीय मंत्री ने हाल ही में ताशकंद का दौरा किया, या फिर किस भारतीय मंत्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड किया था। तो याद रखिएगा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने ये किया था। एंड गाइज इन सारी चीजों के बीच में ये याद रखिए कि इस बार का ये जो मीटिंग था इसका ओरिजिनल फोकस क्या था, इस बार का जो मीटिंग था उसका ओरिजिनल फोकस था गाइज कि उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो रेलवे प्रोजेक्ट है और ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके बारे में बात करना था, और साथ में उज्बेकिस्तान इंडिया और ईरान का जो ट्राइलेटरल चाबर प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है उसके बारे में भी बात करनी थी। लेकिन ये अफगानिस्तान का मुद्दा जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाल के दिनों में थोड़ा सा गर्माया हुआ है, तो इसके ऊपर में नजर बनी रहेगी। इसके बाद आते हैं अगली, देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया भारत में कि ये जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो रिवर हैं, रिवर के ऊपर में आप हमेशा देखोगे दो राज्यों के बीच में जरूर दिक्कतें आती हैं। अगर वो नदी जो है वो दो राज्यों के बीच में से जाती है, 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है मेघदूत प्रोजेक्ट, अगर मेघदूत डैम प्रोजेक्ट आप लोगों को याद हो, कावेरी नदी के ऊपर में जो बन रही है, सेम कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है तेलंगाना के खिलाफ, और क्यों पहुंच गई है थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना वो डिसीजन नहीं मान रहा है वाटर मैनेजमेंट का जो अपेक्स काउंसिल कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना की आज तेलंगाना बना हुआ है, ठीक है। तो उस जब कोई एक राज्य से दूसरा राज्य बनता है तो बहुत सारे नियम जो हैं वो बनाए जाते हैं, और उन नियमों में ये भी रहता है कि नदी का जो वाटर है वो आप कितना यूज करोगे, बाकी सारी चीजें जो हैं उसका यूज कितना होगा। तो आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसका कहना है कि हमारे लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और साथ साथ में जो भी
हमारा राइट्स है, ठीक है, और लोगों का जो राइट टू लाइफ है, क्योंकि पानी तो आप समझ रहे हो, जल जो है वो जीवन है, ठीक है, तो अगर वो आपको मिलने से डिप्राइव किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। और इसी के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ में आंध्र प्रदेश सरकार जो है पहुंची है। एक प्रश्न मैं आप सब लोगों से मान सकता हूँ, ठीक है, तो वो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए गाइस। और वो क्या है, और वो प्रश्न यह है कि क्या आप लोगों को ये पता है कि जब भी दो राज्यों के बीच में, ठीक है, दो राज्यों के बीच में, टू स्टेट्स के बीच में अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है? क्या आपको ये पता है कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है? अगर नहीं पता है तो आज के एस्पिरेंट संवाद में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के एस्पिरेंट संवाद में रात 9 बजे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं आप सब लोगों से, और वो है कोलेरू लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इंडिया, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो कोलेरू लेक क्या है? भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दूसरा, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, तो मीठे पानी का झील है, फ्रेश वाटर लेक है। और तीसरा, इट इज लोकेटेड बिटवीन कावेरी एंड गोदावरी डेल्टास, ठीक है, ओके, तो बताइए गाइस क्या है इसका सही जवाब? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ए वन एंड टू, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, या डी सारे के सारे सही है? लेट्स सी गाइस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वेल द करेक्ट आंसर इज ए, और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है गाइस कि वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। तो क्या गलत हो गया था? गलत सिर्फ इतना हुआ गाइस कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है। बाकी ये याद रखेगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत का, और साथ साथ में ये आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ में यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रामसर साइट्स जो है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बारे में आपको जरूर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो एक साइट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, रामसर साइट्स को देखना, तो आपको दिखाई देंगे कि वुलर लेक है, उसके बाद होकेरा वेटलैंड, पोंगटेम लेक, कांजली जो है वो भी दिखाई दे रहा है, हरिके लेक, रोपार, सांबर लेक आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको कोलेडियो नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी दिखाई दे रही है बीच में। ये थोड़ा जरूर याद करके रखिएगा कि बीच में सिर्फ ये इकलौता है, भोज का वेटलैंड है, ठीक है। एकदम नीचे चले आइए तो आपको दिखाई दे रहा है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, उसके बाद में है सस्तम कोटा लेक, और उसके बाद में अस्तमुडी वेटलैंड। अब ऊपर चढ़ते हैं नीचे से, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है, कैलोरी लेक है, चिलिका लेक है, भितरकनिका मैनग्रोव्स है, ईस्ट कैलकटा वेस्टलैंड वेटलैंड्स है, फिर रुद्र सागर, लोकटक लेक, दीपोर बिल, अपर गंगा रिवर, रेणुका वेटलैंड, चंद्रतल वेटलैंड, साथ में सोमोरीरी और सूरी सार मानसर, ठीक है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जरूर रखिएगा। रामसर साइट्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रामसर साइट्स पे जरूर नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, इंडिया रशिया टू होल्ड टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसमें बस इतना ही बताया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब और उनके साथ में रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन साहब, उनकी एक मीटिंग होने वाली है इसी वर्ष। उससे पहले भारत के दो मिनिस्टर और रशिया के दो मिनिस्टर की मीटिंग होगी, और उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्फो रिक्वेस्ट इज ट्विटर, तो ट्विटर की तरफ से यह आधिकारिक घोषणा की गई है कि भारत जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अगर आई है तो कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 14,561 जो इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट इन्हें मिली है ट्विटर को, उसमें 3,615 जो हैं वो भारत से आए हैं, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, लेकिन बाकी आईटी रूल्स और बाकी सारी चीजों को फ्रेम करते हुए आप इसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा। एलएसी इम्पास इज अफेक्टिंग बायलेटरल टाइज, जैसा कि आप सब लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो अभी कहाँ पे हैं? वो अभी डसानबे, वेर इट इज इन तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में क्या हो रहा है? तजिकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है गाइज, और एससीओ की मीटिंग में चाइना भी प्रेजेंट है। तो चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको नोट करते हुए जयशंकर साहब ने क्या कहा कि एलएसी में
जो इम्पासेस हो रहे हैं, ठीक है, LAC आप जान ही रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो चीजें हो रही हैं उसके कारण से कहीं ना कहीं जो बायलेटरल टाइज हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं भारत और चीन के बीच में, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि बॉर्डर पे मान लीजिए अगर टेंशन बना रहता है दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, तो कहीं ना कहीं जब आप व्यापारिक संबंध बनाने की बातें करते हैं तो मन में एक डाउट जरूर रहता है। और फिर इसके साथ साथ में ये भी लोग होता है कि लोग जो हैं, आपके सिटीजन जो हैं, आपके नागरिक जो हैं, उनके भी अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उनको भी आपको साथ में झेलना पड़ता है। तो ये एस जयशंकर साहब ने कन्वे किया कहाँ पे, ये जो अभी SCO की मीटिंग चल रही है वहां पे, इसके ऊपर में नजर बनाए रखिएगा। मोदी मालदीवियन प्रेसिडेंट होल्ड टॉक्स, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और उनके साथ में मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, याद रखिएगा, इन्होंने मिल के बातचीत नहीं की क्योंकि कोरोना का समय है, तो फोन कॉल में इन्होंने बात किया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लेकर जाइएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सागर। ये सागर क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सागर है गाइस, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये क्या है, ये सागर व्हाट इट इज, देखिए मोदी साहब ने फोन किया, ठीक है, और फोन करके कहा इनको कि इंडियन ओशन जो है, ठीक है, वो आइलैंड नेशन जो है उसमें वो सेंट्रल पिलर है, ठीक है, भारत के नेबरहुड पॉलिसी के लिए, भारत का जो पड़ोसियों के लिए पॉलिसी है उसमें वो लोग सेंटर पिलर हैं, और इसीलिए ये जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन या सागर की जो बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा, जिस तरह से चीन का जितने भी, मतलब आप देख सकते हो साउथ चाइना सी और उसके बाद में अब इंडियन ओशन में भी उसकी नजर जो है बनती जा रही है, तो ये जो आइलैंड नेशंस है ना इनकी बहुत महत्वपूर्णता बन जाती है। जैसा हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में ही, श्रीलंका की आर्थिक नीति जो है वो अच्छी नहीं है, श्रीलंका मजबूर है कि उसे पैसे जो है उनको जरूरत है, और चीन जैसे देश इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई, इसके साथ में एक और बात भी याद रखिएगा जो आप मेंस और बाकी के एग्जाम में यूज कर पाएंगे। भारत ने लगभग लगभग 3 लाख जो डोज है वैक्सीन की, जो डोज है वो प्रोवाइड की है, 2 लाख जो डोज है, 2 लाख डोज जो है वो इस गिफ्ट प्रोवाइड की, और 1 लाख जो डोज है वो कमर्शियल प्रोक्योरमेंट के रूप में मालदीव्स को भारत की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत जो है अपने तरीके से ये चाह रहा है कि मालदीव से उसके रिश्ते जो हैं वो और ज्यादा बेहतरीन बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कोर्ट्स रोल इन पॉलिसी ड्यूरिंग क्राइसिस। गाइज एक चीज और समझ लीजिए जिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आप डेली के जो न्यूज देखते हैं ना, या फिर अगर आप द हिंदू पेपर भी पढ़ते हैं, तो कभी भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और डेली के जो न्यूज है ना उसमें आपको डेली जो है नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 से 4 दिनों से ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, पुराने जो जस्टिस वगैरह हैं, जजेस वगैरह हैं, वो लोग एक कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जस्टिस है या फिर जो जुडिशरी या फिर जो न्यायपालिका है उसकी हद क्या होनी चाहिए, क्या उसको इंटरफेयर करना चाहिए एग्जीक्यूटिव में, क्या उसको इंटरफेयर करना चाहिए लेजिस्लेचर में, क्या उसको सिर्फ अपने पास में, उसके पास में जो आते हैं केसेस उसके ऊपर में बात करनी चाहिए, क्या उसे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना बनी हुई। तो आपको क्या कर सकते हो, आपको इस पॉइंट को लिख के वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, और हर दिन जो कुछ नई चीजें आ रही है ना तो वहां पे उस पॉइंट को ऐड कर दिया कीजिए, ये सही तरीका होता है। डेली अगर आप सोचते हो कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में 15 न्यूज आई हैं और 15 के 15 न्यूज की आप नोट्स बनाओगे, तो देखो सबसे बड़ी बात है 15 न्यूज की आप नोट्स तो बना लोगे, लेकिन दो प्रॉब्लम होगी। पहला एक प्रॉब्लम ये होगा कि 15 न्यूज की नोट बनाने में आपका जो समय जाएगा कम से कम घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो जा रहा है वो वेस्ट जा रहा है, 1 घंटा से ज्यादा कभी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप एक बार सोच के देखो, 15 दिन 15 न्यूज आप 1 दिन की बना रहे हो, सिर्फ 100 दिन में अगर आप बात करोगे तो 1500 न्यूज हो जाएंगी, ठीक है, सो ओनली 100 डेज में।
क्या आप उसे याद कर पाओगे? अभी आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है? पॉइंट्स जो है से पॉइंट्स को लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए और नोट्स बनाइए, तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, डेली डेली वाइज नोट्स नहीं बनाना, टॉपिक के हिसाब से नोट्स बनाइए। एनीवे चलिए आ जाते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एग्जामिन करेगा कि ये जो कोर्ट्स हैं क्या ये कोविड-19 पैंडेमिक के समय में ये थोड़ा सा ज्यादा ही आगे निकल गए, ठीक है, या इनको नहीं निकलना चाहिए। इसके बारे में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था 17 मई में कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो बाकी मेडिकल सिस्टम वगैरह है गांव वगैरह में और छोटे शहरों में वो राम भरोसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या किया जुडिशरी ने, क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, क्रिटिसाइज कर दिया एग्जीक्यूटिव को। तो क्या ये चीजें सही हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस की सर्विस के लेके बातें हैं तो एग्जीक्यूटिव के भी कहीं कहीं हाथ बंधे होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अवेलेबल ही नहीं है एम्बुलेंस, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि एग्जीक्यूटिव को कि आप 2 दिन के अंदर में अवेलेबल कराओ, तो सबसे पहले तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, खरीदने के बाद में फिर आप उसको इनकैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद में आपको ड्राइवर्स वगैरह और उसके साथ में चलने वाले जो नर्सेस वगैरह होती हैं वो भी आपको चाहिए, बाकी सारी फैसिलिटीज चाहिए। देखिए ये कहना बहुत आसान होता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था कि जब ऑक्सीजन की किल्लत पड़ रही थी तो कहीं कहीं तो ऑक्सीजन अवेलेबल था लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं अवेलेबल थे, इसलिए नहीं अवेलेबल थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करके रखी थी, अपने घरों में जमा करके रखा था, ठीक है। तो कभी कभी ग्राउंड रियालिटी जो है ना, वो जो हमारे जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का कभी कभी पता नहीं रहता है। एक केस हम लोगों ने कल और परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी राज्य के किसी भी बड़े अधिकारी को, डीएम वगैरह को, ये क्या करते हैं कि आप आइए यहाँ पे आके हमको जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया या वहां पे ये चीज क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुई, ठीक है। आप जब उस सरकारी अधिकारी को बुलाते हैं, ठीक है, अपने न्यायालय में, तो उस सरकारी अधिकारी का उस दिन का जो काम था वो प्रभावित होता है, और अगर मान लीजिए उसको ट्रेवल करके आना जाना है तो वो आप सरकारी पैसे का ही दुरुपयोग करा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, देखिए इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं, तो ये जो है ना इसको मेंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, एसी के हिसाब से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और डेली इसके नोट्स जरूर बनाइए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। सब्सिडी स्कीम फॉर शिपिंग फार्म्स अप्रूव, ठीक है, तो शिपिंग फार्म जो है उसके लिए सब्सिडी स्कीम जो है वो अप्रूव कर दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो जैसा आप जान रहे हैं कि पेंडेमिक का समय, और पेंडेमिक का समय है तो जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, आर्थिक उद्योग में सारे सेक्टर्स को थोड़ी बहुत दिक्कत तो झेलनी ही पड़ रही है, और शिपिंग कंपनीज जो हैं उनको तो एक ग्लोबल रूप से आप देखिए तो पूरा वैश्विक रूप से उनकी मंदी चल रही है। तो इन सारी चीजों के बीच में भारतीय सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। ये स्कीम जो होगा वो 1,624 करोड़ के आसपास का होगा 5 सालों के लिए। सब्सिडी सपोर्ट जो होगा वो 5% से लेके 15% तक वैरी करेगा फॉर द लोएस्ट बिड जो की होगी फॉरेन शिपिंग कंपनी के द्वारा में, और कब तक, ऑन और बिफोर 1 फरवरी 2021 के हिसाब से इसको लिया जा रहा है। और एज ऑफ द शिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर शिप जो है वो 20 साल से पुराना है, 20 ईयर्स ओल्डर है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम के अंदर में, ठीक है, जो शिप है अगर वो पुराना है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और प्रोविजन जो है इसकी वो किस हिसाब से अवेलेबल होगी, जो लोएस्ट बिडर है ना, ठीक है, उसको अवेलेबल नहीं होगी, द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम विल नॉट बी अवेलेबल इफ द लोएस्ट बिडर इज एन इंडियन फ्लैग्ड वेसल, ठीक है, भारत का अगर है तो फिर वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए एक एमसीक्यू देख लेते हैं इसी सब्सिडी स्कीम फॉर शिपिंग फर्म्स के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है द स्कीम विल प्रोवाइड, द स्कीम विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ ₹1,625 करोड़ ओवर 5 ईयर, तो 5 साल के अंदर में 1,624 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा। और दूसरा जो है यहाँ पे, हाउएवर शिप्स ओल्डर देन 20 ईयर्स विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम, तो शिप्स जो हैं वो 20 साल से जो ओल्डर हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगी। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि क्या है इसका सही जवाब, तो बताइए गाइस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट,
करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी। सी का मतलब है 1624 करोड़, 5 साल, ये तो बहुत सही था, लेकिन इसके साथ में 20 साल से अगर पुरानी है तो वो भी अलाउड नहीं होगी। मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो थे वो क्या थे, वो सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया यूएस हैव कॉमन इंटरेस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसा कहा है व्लादिमीर पुतिन साहब ने। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर रहा है, और ये याद रखिएगा, ये किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम पूरी पृथ्वी के लिए आ जाती है, पूरी दुनिया के लिए आ जाती है, तो हर एक देश को इसमें क्या करना चाहिए, हर एक देश को इसमें अपना जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया है, ये कहीं ना कहीं जो दिखा रहा है कि रशिया जो है ना, वो हैंड इन हैंड काम करना चाहता है यूएस के साथ में, अगर क्लाइमेट की सुरक्षा की बात हो रही है। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर में, कि मास्टर कार्ड को आरबीआई के द्वारा बार कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया कि आप नए यूजर्स और नहीं जोड़ सकते हो। क्यों किया गया ऐसा? देखिए, इसको करने का रीजन है कि ये जो डाटा रूल्स, ठीक है, कंप्लायंट डाटा रूल्स हैं ये, कि इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर 1 मिनट में मैं आपको समझाऊं तो वो ये है गाइस, कि देखिए कोई भी कंपनी, जैसे ये जो है मास्टर कार्ड वाले, ठीक है, तो मास्टर कार्ड वाले आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये डोमेस्टिक कस्टमर्स जो है ना, इनका डाटा आपको इंडिया में ही रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, और अगर ये जो डाटा है, ठीक है, आपका जो डाटा, मेरा जो डाटा, मान लीजिए मेरे पास में अगर मास्टर कार्ड है, ठीक है, तो मेरा जो डाटा है अगर वो इंडिया में नहीं रख रही है, तो वो जो नए डाटा रूल्स है उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रही। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले ये हुआ था ना, कि पबजी जो है, पबजी का डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। ठीक है, टिकटॉक के लिए भी यही बातें हुई थी कि ये चाइनीज ऐप है तो ये डाटा ब्रीचिंग कर रही है, डाटा चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हल निकाला गया था, कि अगर आप जो डाटा स्टोर इंडिया में ही कर रहे हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो इसके लिए लगभग लगभग 6 महीने का समय दिया गया था, और 6 महीने के समय के बाद भी मास्टर कार्ड जो है वो सारे डाटा को जो है इंडिया में स्टोर करने में असफल रहा है, और इसके कारण से आरबीआई ने क्या किया है, उसके ऊपर में एक मनाही लगा दी है। क्या जो प्रेजेंट जो भी हैं, ठीक है, जिनके पास में अभी मास्टर कार्ड है, उनको कोई डरने की बात है? उनको कोई डरने की बात नहीं है। अगर अभी आपके पास में मास्टर कार्ड है तो वो एकदम सही तरीके से चलेगा, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, कोई भी वहां पे डरने की बात नहीं है। सिर्फ नए कस्टमर्स को वो ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक वो सुनिश्चित नहीं कर लेते कि उनका जो डाटा है वो कहाँ पे है, उनका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं इंडिया में स्टोर हो रहा है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो याद रखेगा। इसके साथ आ जाते हैं, एरिया अंडर सुगर कैन कल्टीवेशन राइजेज अ टैड। ठीक है, तो सुगर आउटपुट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि सुगर केन का आउटपुट जो है वो बढ़ गया है। पिछले साल एक प्रश्न आ गया था, और उस प्रश्न में बस सीधे सीधे ये पूछ लिया गया था कि एक ऐसी फसल का नाम बताइए जिसके लिए इतनी वर्षा चाहिए, जिसके लिए इतना इतना टेम्परेचर चाहिए, और उसके बारे में एक चीज और लिख दी गई थी। ठीक है, तो उस प्रश्न के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या शुगर केन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान सकते हैं कि कितनी वर्षा इसको चाहिए होती है, क्या शुगर केन के बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, और साथ साथ में ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, तो जल्दी से बताइए शुगर केन जो है वो रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एस्टिमेट है शुगर केन का, ठीक है, वो चाहे महाराष्ट्र का जो है, ये कर्नाटका का जो है, सारी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा राइज ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन सारी चीजों से क्या होने वाला है, इन सारी चीजों से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो साथ साथ में शुगर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और साथ में उनके साथ में जो इथेनॉल वगैरह होते हैं, बीमोलेसेस होते हैं, ये सारी चीजों का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं गाइज। शुगर केन इज ग्रोन एज खारिफ क्रॉप, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुगर केन क्या है, शुगर केन जो है वो खारिफ क्रॉप है, खरीफ फसल है। दूसरा बोला जा रहा है कि इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, गर्म वाला क्लाइमेट चाहिए, आर्द्रता वाला, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए। एवरेज टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होनी चाहिए, और 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए शुगर केन कल्टिवेशन के लिए। तो गाइज आप लोगों को बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है,
आइए देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वेल द करेक्ट आंसर इज दोनों के दोनों सही थे। शुगर केन जो है ये खरीफ फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसकी जरूरत पड़ती है। 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की भी जरूरत है और ज्यादा बारिश नहीं भी होगी तो भी फसल हो जाती है। ये किसी भी सॉइल में हो जाती है जहां पे मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो पाए। ठीक है, खास करके अगर आपको एक स्पेशल चाहिए सॉइल चाहिए तो लोमी सॉइल जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। सॉइल नीड्स टू बी रिच इन नाइट्रोजन कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। भारत में अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2.8% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो सुगर केन का है और इंडिया जो है लगभग लगभग 352 मिलियन टन ऑफ सुगर प्रोड्यूस कर चुका है 2015-16 में। लार्जेस्ट सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडियन आईटी स्पेंडिंग इन 2021 टू ग्रो 8% टू 92.7 बिलियन डॉलर। ये नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये याद रखिएगा जब बाकी सेक्टर्स जो है ना वो डाउन पे जा रहे हैं, बाकी आर्थिक उद्योग में आप देखोगे तो बाकी जितने भी सेक्टर है ना वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर जो है ना वो अपसर्ज कर रहा है। और क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो अपसर्ज कर रहा है तो उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि आने वाले सेकेंड क्वार्टर में बाकी सेक्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा आगे जाएंगे। आईटी सेक्टर क्यों अपसर्ज कर रहा है ये तो आप सब जानते हैं, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन कार्यशैली जो है वो और बढ़ भी रही है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके साथ में श्रीलंका स्टेयर्स एट इकोनॉमिक क्राइसिस, तो श्रीलंका जो है हाल ही के कुछ दिनों में आप जान रहे कि पिछले साल से अगर आप देखोगे तो टूरिज्म जो है, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है ना या फिर सोर्स ऑफ इनकम फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उनका टूरिज्म ही होता है। ठीक है, अब टूरिज्म ही अगर है तो उसके बाद में अगर श्रीलंका में लोग आएंगे नहीं तो ऐसी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और पैंडेमिक्स तो एक बहुत बड़ा रीजन था, उससे पहले 2019 में अगर आप लोगों को याद हो तो एक सुसाइड बॉम्बिंग का केस हुआ था ईस्टर डे में, ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 250 लोगों की मौत हो गई थी, 250 लोगों की मौत हो गई थी, तो ये भी एक रीजन बनता है। तो ये दोनों रीजन जो है इसके कारण से क्या हुआ है, इसके कारण से श्रीलंका का कहीं ना कहीं जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन डेप्ट्स है, ये क्या करते जा रहा है, फॉरेन रिजर्व्स कम होते जा रहा है, फॉरेन डेप्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसी बीच ये भी खबर है कि श्रीलंका को 1.5 बिलियन डॉलर स्वाप फैसिलिटी के तहत चाइना से मिला है और 400 मिलियन डॉलर स्वाप फैसिलिटी के तरफ से अगस्त में भारत की तरफ से भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि हो सकता है IMF वगैरह जो हैं इनसे भी थोड़ी सी मदद मिल जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आपको कहीं से कनेक्ट करना है तो फिर से कनेक्ट कर लीजिए हम्बन टोटा पोर्ट के साथ में। अगर आप उसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारा जो एस्पिरेंट संवाद होता है 9:00 उसमें ज़रूर 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 पार्टिसिपेट करिएगा, आपको थोड़ा सा सहायता जरूर मिलेगा। सऊदी UAE रीच ऑयल आउटपुट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, तो सऊदी UAE जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज पे आ रहे हैं और जब भी सऊदी और UAE जो है वो इस पे कॉम्प्रोमाइज में पहुंचेंगे तो याद रखिएगा ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी सी और डाउन जाएंगी। ठीक है, तो ग्लोबल सप्लाई जो है वो और बेहतर हो पाएगा और ग्लोबल सप्लाई जो है वो और बेहतर हो पाएगा और ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे जाएंगी तो बाकी सारे देशों को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी कौन है, हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने बातें जो हैं वो बाकी जो देश हैं उनसे की हैं और होपफुल हैं कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इंडिया जैसे देशों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अलॉट की जाएंगी। आइए आज के कुछ संपादकीय देख लेते हैं गाइस। एडिटोरियल, रैंपिंग अप सप्लाई, तो फिर से बातें आ गई हैं वैक्सीनेशन के बारे में, तो जो वैक्सीन वगैरह हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो कई दिनों तक तो चीजें बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन अब जून के कुछ हफ्तों के बाद में ये डिक्लाइन कर गया है लगभग लगभग 60%, ठीक है, 60% के आसपास में कम हो गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो जुलाई 5 से 11 के बीच वाला जो समय था उसमें 2.3 करोड़ वैक्सीन डोज डिस्पेंस्ड हुए थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं अगर इसी रेट पे हम चलते रहे तो एक साल नहीं उससे ज्यादा का समय लग जाएगा, ठीक है, पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को ये पूरा वैक्सीन देने में। ठीक है, अगर आंकड़ा आप देखोगे ना तो आंकड़ा ये बताता है कि 33% जो है
उनको एक डोज मिल गया है, एडल्ट पॉपुलेशन की बातें कर रहे हैं, 33%, 33% को मिल गया है, और सिर्फ सिर्फ 8% ऐसे हैं, ओनली 8%, 8% ऐसे हैं जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड है। फुल्ली वैक्सीनेटेड मतलब आप समझते हैं दोनों डोज जो ले चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप केसेस की बात करेंगे तो वो भी थोड़ा सा अलार्मिंगली हाई हो गया है। 15,000 केसेस से लेस हम अभी कुछ दिनों पहले तक रिपोर्ट कर रहे थे, अब लगभग लगभग 40,000 केस जो हैं वो आने लगे हैं, ठीक है। डेली डेथ्स जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ देश जैसे यूके वगैरह हैं, बांग्लादेश आपको बगल में दिखाई देता है, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे फिर से लॉकडाउन वगैरह लगाने की स्थिति लग रही है। भारत जैसे देश में जैसे ही लॉकडाउन छूटता है तो लोग जो हैं वो अपने जो मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह है, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, इसको फॉलो करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में केसेस का बढ़ना लाजमी है। तो इन सारी चीजों को भी देखना है, साथ साथ में ये भी देखना है कि कोवैक्सीन जो है इसकी इनएडिक्वेट सप्लाई हो रही है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज में आपको दिखाई देगा कि कोवैक्सीन जो है उनको फर्स्ट डोज तो दे दी गई है, लेकिन अब कोवैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं मिल रही है। तो जो लोग ऑलरेडी लगाना भी चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हाँ चलो कोवैक्सीन मैंने लगाया था अब सेकेंड डोज मिल जाए, तो वो भी अगर नहीं मिल रही तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी लोगों के लिए। तो इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रैंप अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मेकिंग वेलफेयर कंडीशन इज अ स्टाम्प ऑफ कोवर्शन, तो ये आपको पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उसके रिलेटेड पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो कि अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं अलग अलग लोगों के तरफ से, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसा कि अभी तक आप लोगों को याद हो रहा जाना चाहिए था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वो 2.7 है, और बिहार का भी मुझे याद आ रहा है कि 3.1 है, ठीक है। तो ये वेलफेयर कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजना जो होती है उसको जब आप एक स्टाम्प बना देते हो, जो कल्याणकारी योजना जो होती है उसको अगर आप जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते हो, तो उसके कुछ राइट और कुछ रॉन्ग परसेप्शंस बनते हैं, इनको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समय लगा के अगर आपको देखना हो तो ये पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल में @प्रत्युष सर। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें पहली पंक्ति में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एस्पिरेंट संवाद में 2 दिन डिस्कशन भी किया है, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। अवार्ड्स कैन नॉट बी डोल्ड आउट, ठीक है, केयर नीड्स टू बी टेकन टू इंश्योर दैट ओनली दोज डिजर्विंग ऑफ अवार्ड्स रिसीव देम, ठीक है। तो ये कहना है दिल्ली चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लिखकर, ठीक है, चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि ये जो इंडियन डॉक्टर्स के लिए अवार्ड है, ठीक है, या भारत रत्न जिसकी बात कर रही है, तो ये सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैंडेमिक्स है, ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली दे देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो पैंडेमिक का जो समय आया, ठीक है, ये जो महामारी का समय आया, तो महामारी के समय में हर कोई डरा हुआ था, हर कोई किसी से बातें नहीं करना चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर किसी एक नाम को आप देखोगे तो वो मेडिकल फैसिलिटी के लोग थे, वो ऐसे लोग थे, पुलिस को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, पुलिस भी इस समय ग्राउंड में अवेलेबल थी, मेडिकल फैसिलिटी के लोग तो डायरेक्टली ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट्स के पास जा रहे थे अपने परिवार की अपनी सुरक्षा के जानकार जिम्मेदारी के बिना। तो इन सारी चीजों के बीच में चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, किसी एक डॉक्टर एक नर्स का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या किया जा सकता है। 5 साल बाद ब्रेग्जिट कंटिन्यूज टू डिवाइड, ब्रेग्जिट का मतलब था कि एग्जिट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो एग्जिट था वही था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट याद रखिएगा कि इसके कारण से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रहे हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे इसको समझने की कोशिश करिए क्या होता है। मान लीजिए एक देश है, ठीक है, और उस देश के आसपास में आप लोगों को पता है कि अगर समुद्र है या फिर महासागर है,
तो वहां पे 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा, उसी देश का आधिपत्य होगा, उस देश के पास में ये अधिकार है कि वहां पे वो क्या कर सकता है, उसको एक हिसाब से अपने यूज में ले सकता है। लेकिन जब ये ब्रेग्जिट होगा तो क्या होगा, ब्रेग्जिट होने के बाद में वो जो देश वहां से अलग हो जाएगा, ठीक है, यूके से अलग जो हो रहा है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो जो वाटर का एरिया है, वो जो रिसोर्स का एरिया, वो किसके पास पहुंच जाएगा, वो तो जो देश अलग हुआ है वो तो फिर उसका हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। स्कॉटलैंड जो है वो अपने आप को फ्री करना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, फिर बाकी भी और बहुत सारे देश हैं जिनका अलग अलग मुद्दा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट के बारे में जो आप देखते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि डिवोर्स सेटलमेंट नहीं होता है कि ठीक है तलाक की कार्यवाही होती है, फिर लास्ट में उसमें सेटलमेंट करना पड़ता है कि कितना पैसा देना है, और अंत में कोई भी खुश नहीं रहता उसमें, सबको लगता है कि अरे मुझे तो कम ही मिला, मुझे तो कम ही मिला, ठीक है। तो ब्रेग्जिट जो है इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एस्पिरेंट संवाद में आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। गाइस थैंक यू सो वेरी मच, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और हमारे साथ में रात 9 बजे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है, वहां से आपको फ्री पीडीएफ भी जो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, और साथ साथ में रात 9 बजे हमारा एस्पिरेंट संवाद जो होता है वहां पे आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं आप जैसे और एस्पिरेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं कल, आज का आपका दिन जो है वो बहुत शुभ हो, थैंक यू।